नमस्ते, गुड मर्निङ गाइज, वेलकम टु पार्ट टु ब्लग। हामी चाहिँ उठिसकेको छौँ अनि चिया पिउँदैछु। गाइज, खतरा चिसो भयो त बिहान बिहानै त, म त कापिरहेछु। म हो बिहान त खतरा चिसो हुने रहेछ। हाम्रो दुईजना दाई उठिसक्नु भएको छ, बिहानको भ्यू हेर्नु, इन्जोय गर्नु। यता चाहिँ पछि उठ्ने जनतालाई चियाको व्यवस्था हुँदैछ। गाडीको सिट फाल्दै हुनुहुन्छ। कोही यता भर्खर उठेर जिउ ज्यान तन्काउँदै चाहिँ हामी जाँदैछौँ, किनकि हाम्रो बाँकी नै छ पुरा लभली घुम्न। अहिले चाहिँ भिडियो मैले लिँदैछु, पछिको भिडियो चाहिँ हाम्रो अली भाइले बनाउनु हुन्छ। अली ब्रदरको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हिन्दी हुनेछ। एउटै भिडियोमा दुईटा ल्याङ्ग्वेज भएकोमा अस्तिको भिडियोमा पनि त्यही भएको थियो, माफी चाहन्छु त्यसको लागि। ओके, हेर्नु गाइज, वरिपरि जङ्गल अनि बिच, बिचमा ताल, कति सुन्दर देखियो। तर यो पुरै आर्टिफिसियल हो है। आइपुग्यो गाडी पार्क गरेर, त्यसपछि म चाहिँ फुल टिप्दैछु। कस्तो राम्रो सानसाना फुल रहेछ, नाम चाहिँ थाहा छैन मलाई। कपालमा फुल लगाएर हिरोइन पल्टे म हिँड्छु। ल हेर्नु गाइस, यहाँ दुबईमा पनि यस्तो किचड, यहाँ चाहिँ लभलेको नामै जताततै लभ आई लभ। यो चाहिँ इन्ट्रान्स फुलै फुलको वाओ। यहाँ चाहिँ ठुलो लभ भएको गेट रहेछ, पल्ट नि हेर्नु कसरी आउँदैछ। आमा हो, कति खुसी देखेको मान्छेहरू त ल हाई गर्दै आउँदैछ त। अब चाहिँ म चाहिँ हुँदैन है गाइस, बिच बिचमा आउन सकिन्छ। ओके, ये लभ लेक लिखा हुआ है और ये बहुत जबरदस्त जगह है। छुट्टी वाले दिन आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए, एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ आइए। ऐसा लग रहा है जैसे एक जंगल टाइप का। चलो और मज़ीद आपको आगे लेके चलते हैं। मैं भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैं भी देखता हूँ आके किस तरह, कितनी अच्छी है कि इन लोगों ने बताया कि झील है, एक दिलनुमा बनी हुई और उसके अंदर सिर्फ पानी है और आर्टिफिशियल बनाई हुई है। ये हम झील की तरफ आ रहे हैं, तो इनके यहाँ टेंशन से इतनी लिखी हुई होती है कि यहाँ कुछ ना करें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बारबेक्यू करना अलावा सिर्फ बोन फायर करना नहीं है, बर्ड और फिशिंग को फीड देना नहीं है। ओहो, यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिज्म आए हैं।
एक्चुअली ये झील है जो दिल नुमा बनी हुई है। तो लड़कियां जब भी आई यहाँ पर हील्स पहन के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है और जी अकाउंटेंट मैनेजर ये देखें फिशेस। पानी मासु जो राखेको प्लास्टिक मासु यो तातो मुखमा त पातेर मर्दैन अक्सर पानीलाई आइस हालिदिन्छ ल्याएर टाइम त्यो भयो। है तो ये बहुत बड़ा है और मज़ीद आके दिखाते हैं ये ट्रैक बना हुआ है। इस ट्रैक के ऊपर आप ये यहाँ पर आप क्या नाम है अपनी लवर के साथ बैठ सकते हैं और इस आर्टिफिशियल झील का नज़ारा करें। ये मछलियाँ बहुत हैं यहाँ पर और ये एक्चुअली ये निर्मल हमारे कंपनी के अरबाब और एक चीफ अकाउंटेंट आ रहे हैं, इनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं जरा आपसे। जी बताइए राजकुमार साहब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बिल सिल है क्या? हाँ कोई बिल है? हाँ इसका भी बिल आपको मिल जाएगा, लेकिन आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, इनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम आए हैं, हम अच्छे लोग हैं। हाँ ये आप समझ सकते हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये खूबसूरती देखें यहाँ की, ये शावर देखें। अभी हम लोग वो क्रॉस करने हैं मेरे भाई, सुन वो क्रॉस करके जाने का अभी। अच्छा ये इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है जो पानी के होते हुए वो आगे आप इस जगह पे पहुंच सकते हैं। चलिए हम भी जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग एक क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ये एक रास्ता है जैसे आप देख सकते हैं पूरा एक रास्ता बनाया हुआ है। इस रास्ते से हम लोग को क्रॉस करके उस और जाना पड़ेगा। ये देखें झील का नज़ारा, बस यहाँ पर मछलियाँ नहीं है, मतलब अगर पाकिस्तानी लोग यहाँ पर आए तो मछली भी पकड़ने लग गए यहाँ पर। बहुत ज़बरदस्त है, पानी भी बहुत ठंडा है और ये रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने पूरा चलने का। यहाँ पर इस साइड पर जो है वो जो रहता है इसलिए यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। अच्छा जी ये ऊपर से व्यू है इसका और ये पूरी हार्ट शेप की बनी है, जैसे ये बना हुआ है ना लकड़ी का इसी तरीके से ये पूरी झील हार्ट से बनी है। फैमिली जाएंगे सुबह सुबह। यहाँ पर भी लव लिखा हुआ है और ऊपर
इमारत का झंडा बना हुआ है। ये पूरा पूरा हार्ट शेप बना हुआ है यहाँ पर, और ये पता नहीं क्या चीज बनाई है इन लोगों ने। आपने चीफ अकाउंटेंट बनाई है वीडियो, ये इनके स्टाइल खत्म नहीं होते हैं हमारे चीफ अकाउंटेंट के। दिल तो चाहता है इनको इतना फोड़े लेकिन हम फोड़ नहीं सकते इनके। ये देखें ये चले, हम यहाँ से उतरने का रास्ता है, और आपको एक मछलियों के पास लेके चलते हैं। इन्होंने वहाँ पर एक सेपरेट जगह बनाई हुई है जहाँ पर मछलियाँ आके सांस लेती हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, वो भी दिखाते हैं आपको बड़ी बड़ी। ये जगह, और ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम 5% ओनली डीप एरिया, एडल्ट्स टू अटेंड देयर माइनर्स, यानी 5 बंदे जा सकते हैं, और ये गहरा है। तो ये देखें, ये सब यहाँ पर सांस ले रही हैं। कत्रो माछा हो, तो रंगी चंगी माछा हरु कति धेरै माछै माछा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अब हामी अगाडि जाँदै छौं। निस्किने टाइम भयो, गेटमा आइपुग्यो। छिरेको गेटमा आइपुग्यौँ। गाइज अब हामी यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। नसोचेको भयो, एउटा गाडीले हाम्रो गाडीलाई डुब्नै डुबायो हिलोमा। हेर्नु त कस्तो भयो गाडी। यो चाहिँ हाम्रो ट्रिपमा एउटा गाडीले मिठो ह्याप्पी होली खेलाइदिएको अवस्था। अलि कुछ बोले काका, कैसे फील है? एक चुतिया इंसान था फिलिपिनी जी, उसने ये हरकत करी है। क्या किया उसने? कीचड़ में से कीचड़ उड़ाई और क्या करे, थोड़ा साइड होगा इसने मार दे। अभी तो कीचड़ ही था भाई। बहुत नाइंसाफ हो गया इंदु के साथ, देखो। ओए होए, आई डिडंट सी। निकालिए सर, निकालिए उनको, बस
हेर्नु भयो देख्नु भयो कस्तो भएछ हाम्रो गाडी अनि हेर्नु अगाडि बस्ने मान्छे पुरै पुरै हिलोले भिजाइदियो बिचरा अलि भाइ चुरलुमै भिजायो त्यसपछि हामीले गाडी पुरै धोयौँ किनकि हाम्रो गाडीमा हिजो लागेको जारको पानी थियो पुरै वास गरे सफा गरे अनि त्यसपछि हामी घरतिर लाग्यौँ पुग्यौँ अब अर्को नेक्स्ट भिडियोमा मिल्छ थ्याङ्क यू सो मच आजलाई यति नै बाई बाई